अलवर न्यूज के रिपोर्टर राजकुमार गुप्ता के अनुसार थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीना ने थानागाजी विधानसभा में आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों में साइकिल से यात्रा कर जन सुनवाई की। इससे पूर्व साइकिल यात्रा का शुभारंभ सुबह पंचायत समिति मुख्यालय से किया गया। इस दौरान विधायक कांति प्रसाद मीना का जगह जगह ग्रामीणों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। विधायक की साइकिल यात्रा का लोगों में काफी उत्साह है। सुबह पंचायत समिति मुख्यालय से गोट, सुरेर, नीमला, रतनपुरा, सकट, मोतीवाड़ा, राजपुर, बड़ा सहित अनेक जगहों पर विधायक का स्वागत हुआ। इस मौके पर विधायक ने ग्रामीणों की परिवेदनाओं को सुनकर उनका शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। इससे पूर्व ग्राम पंचायत सुरेर में ग्रामीणों की तरफ से विधायक मीना का 51 किलो की फूलमाला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। उन्होंने क्षेत्र में पेयजल समस्या, विद्यालय में कमरों के निर्माण सहित अनेक समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने का ग्रामीणों को भरोसा दिलाया। साहब श्री राम सर जी और यहाँ पे विराजमान ब्रजेश जी भाई साहब, इस गांव के मेरे पिता के बुजुर्ग और नौजवान साथ हैं। आज इस राजपुर गांव में मेरा और मेरे साथ में आए मेरे साथियों का जो स्वागत, सम्मान, सत्कार आप लोगों ने किया, उसके लिए तहे दिल से मैं आप सब लोगों के चरणों में नमन करते हैं। सबका आभार होता है। आदरणीय बंधु, अभी हमारे सरपंच साहिबा इस गांव की जो समस्याएं थी वो बता रही थी, ये बात सही है, गांव बहुत समस्याएं हैं। मैं सरपंच साहब से निवेदन करना चाहूँगा और ग्रामवासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब जब मैं इस गांव में आया तो इन्होंने पानी की समस्या मेरे को बताई। तो बंधुओं, सोभापुरा तो पहले करवा ली सैंक्शन और राजपुर बड़ा की 2,64,00,000 की नई योजना सैंक्शन हो गई है। अभी आप सबको पता है नई योजना सैंक्शन होंगे, टेंडर होंगे, टेंडर होने के बाद में ठेकेदार आए, काम चालू होंगे, तो मैं समझता हूँ 6 महीने पहले आप लोगों को पानी मिल सकता जो प्रक्रिया सारी पूरी होंगी। पर 6 महीने बाद में हर घर में नल कनेक्शन हो, हर घर में आस पास कोई ढाणी हो, कोई भी हो, वहां भी कनेक्शन होगा। अब सरकारों की स्थिति यह हो गई, अब से पहले भी नल योजना उन्होंने चला रखी थी पर वो व्यवस्था उनकी बैठ नहीं पाई। अब सरकार का मन बड़ा घर घर तक हरा दू, नल कनेक्शन दो और सारी जिम्मेदारी उस गांव के ऊपर डालो। जनता अपनी जिम्मेदारी जब तक वह नहीं करेगी, जब तक ये पानी की व्यवस्था बैठ नहीं पाएगी। सरकार ने आदेश निकाला है कि सरपंच की अध्यक्षता में उस गांव में कमेटी बननी चाहिए और कमेटी तय करेगी कि जिसको घर का नल कनेक्शन देना है उसे 1100 रुपये लेने या 500 रुपये फाइल के लेने, उसी को कनेक्शन देना है। दूसरा, हर महीने बिल देना पड़ेगा 100 रुपये 50 रुपये जो कमेटी तय करेगी वो करेगा। वो कमेटी तय करके वो पैसा भी अपने को देना पड़ेगा, उस पैसे से बिजली का बिल जमा होगा, उस पैसे से चलाने वाले की तनख्वाह दी जाएगी, उस पैसे से मेंटेनेंस की व्यवस्था होगी और उसमें हम सब लोग भागीदार बन जाएंगे तो हमारे पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। व्यवस्थाओं को बिगाड़ते हमें हमारी मानसिकता होती है सरकार पानी पिला रही, पैसा दो तो ठीक है, नहीं दो तो ठीक है, जहां मर्जी पाइपलाइन को फोड़ दिया, कनेक्शन कर लिया पानी। तो बंधुओं, मेरा तो हाथ जोड़ करके आज आप लोगों से निवेदन है कि 6 महीने के तकरीबन में आपकी नल योजना चालू हो जाएगी, पर एक कमेटी बना करके आप लोगों को व्यवस्था करनी पड़ेगी।